लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है पूरे बिहार में, पुल गिर रहा है, रेलवे हादसे हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, यही है डबल इंजन की सरकार। भाजपा SP वगैरह से बात हुई है कि जस्टिस किया जाए, लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, न्याय दिलाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश वा न्यूज, मैं हूँ राजेश सिंह आपके साथ। डबल इंजन की सरकार में लगातार जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं वैसे पुल गिर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए लगातार बिहार डबल इंजन की सरकार में पुल गिर रहे हैं, और आज भी जिस तरीके से कहा जाए कि एक बार फिर से आपने देखा होगा बीते दिन सिवान में गंडक नदी पर पुल बना था वो गिर जाता है, उसके पहले ही यानी कि बीते 4 दिन पहले की बात करें तो उस दिन भी अररिया में पुल गिरा, जिसको लेकर जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे डबल इंजन की सरकार पे आरोप लगा रहे थे और वही सिस्टम पे सवाल उठा रहे थे। जरा सुनिए कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। और पहले भी हम लोग जाने की इच्छा थी लेकिन प्रशासन द्वारा रोक था, चुनाव के दौरान भी नहीं जा सकते थे, नहीं मिल सकते, तो अभी समय अनुकूल था, जब मौका मिला है तो परिवार के लोगों से हम मिले, SP वगैरह से बात हुई है कि जस्टिस किया जाए, लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, न्याय दिलाया जाए। और लगातार हत्याओं का दौर चल रहा पूरे बिहार में, पुल गिर रहा है, रेलवे हादसे हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, यही है डबल इंजन की सरकार। तो आपने साफ तौर पर सुना तेजस्वी यादव सीधे सीधे डबल इंजन की सरकार पे आरोप लगा रहे थे कि इन लोगों के सिस्टम में ही खराबी है, ये लोग इतने अच्छे से काम भी करते हैं, आखिर अगर इतने अच्छे से काम करते तो आज के डेट में पुल नहीं गिरता और पेपर लीक नहीं होता। पेपर लीक में जिस तरीके की बातें कहते हैं, पेपर लीक इतनी बड़ी धांधली होती है, आप नीट की पेपर की ही बात नहीं करें, अदरवाइज पेपर की भी बात करें, BPSC की या फिर बिहार पुलिस की, डबल इंजन की सरकार में पेपर लीक भी होता है, पुल भी गिरता है, तमाम समस्याएं होती। और वहीं छपरा में तेजस्वी यादव जो गोलीकांड हुआ था, यानी कि 20 मई को वोटिंग के दौरान उसके अगले ही दिन जब गोलीकांड हुआ था जिसमें 1 लोगों की मौत हो गई थी, वहां पर परिजनों से मुलाकात करने तेजस्वी यादव गए और अल्टीमेटम दे के आए, जिस तरीके से कहा जाए कि आश्वासन दिए तेजस्वी यादव। और वहीं बता दें सोमवार से संसद भवन में काम शुरू होगा, जिसको लेकर तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और वहीं तेजस्वी यादव जाते जाते डबल इंजन की सरकार पर हमला बोलते हैं और केंद्र पर, जिस तरीके की नरेंद्र मोदी पर और धर्मेंद्र प्रधान पर और NTA नीट मामले में जिस तरीके की इतनी बड़ी एजेंसी में पेपर लीक हो जाता है, आखिर पेपर लीक क्यों होता है, इस पे सवाल उठा रहे थे तेजस्वी यादव। जिस तरीके की तेजस्वी यादव के PS का भी नाम आया तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि PS का नाम आए या किसी का भी नाम आए, अगर किसी का भी नाम आता है उसे गिरफ्तार करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, भतीजे ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है, उनके ही सिस्टम पे सवाल खड़े कर दिए, क्या चाचा चुप बैठेंगे, क्या चाचा भतीजे के कही हुई बातों पर क्या पलटवार नहीं करेंगे। ये देखना होगा कि आखिर नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं या फिर नीतीश कुमार भतीजे की बातों को, जो उनका प्रश्न है उसे आंसर देते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज़, धन्यवाद।